नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। महक शुक्ला आप हैं टेक्निकल अपचोडू चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक में क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रेन टिकट प्रिंट कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ, उसमें बताया हुआ था कि आप ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कैसे कर सकते हैं। तो इन वीडियो पर काफ़ी कमेंट आ रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे भाई ये बताइए कि हम टिकट को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि टिकट एजेंट वगैरह जो होते हैं वो प्रिंट करके हमें टिकट देते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रेन टिकट दो तरीक़ों से बुक किया जाता है, एक तो ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन जो है वो रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से, और ऑनलाइन IRCTC ऐप या वेबसाइट से। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC से आप टिकट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस बताते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, लाइक करो थोड़ा अच्छा होता है और वीडियो में जाता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको गूगल पे आना है, IRCTC आपको लॉग इन सिंपली सर्च कर लेना है। IRCTC लॉग इन सर्च करेंगे, आपके सामने IRCTC.co.in वेबसाइट आएगी, इसे ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप में, जहाँ भी आप ओपन करना चाहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में। आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, इसे यहाँ पे ओके कर देंगे, सिंपली इसे हम ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में चार लाइनें बनी हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है चार लाइनों के ऊपर। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है लॉगिन का, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी जो है वो डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, जो भी आपका यूजर नेम होगा IRCTC का वो यहाँ पर आप डालेंगे। यूजर नेम यहाँ पर डाल दिया हूँ, उसके बाद पासवर्ड भी डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा यहाँ पे जो भी कैप्चा लिखा होगा वही डालना होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा अगर आपका IRCTC पे अकाउंट होगा तो ये कैप्चा बार बार बदलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। फाइनली साइन इन करते ही आप यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से आपको वही जो है फोर लाइनों पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए ये लॉग इन हो चुका हूँ मैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक माई अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ देखेंगे माई ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बुक टिकट हिस्ट्री सबसे ऊपर वाले पे इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आल जर्नी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आल जर्नी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा एक टिकट है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, मोगा इंटरसिटी का, यहाँ पे देख सकते हैं टिकट। अब इस टिकट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, टिकट के ऊपर ये टिकट लोड हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे पूरा टिकट जो ओपन हो जाएगा। अब इसका देखिए कहाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो गया, लेकिन यहाँ प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही PDF सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम स्क्रीन शॉट लेकर इसका प्रिंट वगैरह करते हैं तो फिर क्लियर नहीं आता है, साफ जो है दिखाई नहीं पड़ता है कुछ भी। ठीक है, देखिए यहाँ PNR नंबर लिखा है, इसके साथ ही चार बिंदियाँ बनी हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बिंदिया के ऊपर, यहाँ देखिए बैक हो चुका है, दोबारा बिंदी के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट ई टिकट का एक ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट ई टिकट पर सिंपली क्लिक करेंगे प्रिंट करने के लिए, या फिर PDF इसका जो है बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि टिकट का जो है ये एकदम थीम भी चेंज हो चुका है, ये पहले इस तरह का टिकट नहीं होता था, अभी यहाँ पर काफ़ी बदला हुआ, तो बहुत ही साफ सुथरा आप टिकट दिखने लगा है। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका हो गया है। अब हम प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करना है वो बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, सबसे नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब इसको हम PDF में या फिर XML फाइल में सेव कर सकते हैं। अब देखिए टिकट जो है ये एक ही पेज है ये वाला, और दूसरा इसमें एडवर्टाइजिंग लगा हुआ है, ये दूसरा पेज, तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, इसे अनटिक कर देंगे। अब बच्चा एक पेज टिकट हमें चाहिए, ठीक है, एक पेज का। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव, यहाँ पे लिखा है सेव एज, यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे तो आप प्रिंट कर लेंगे। अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, यहाँ पे हम सेव PDF कर लेते हैं, इसे सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद में यहाँ से हम किसी को WhatsApp वगैरह को इसको भेज सकते हैं, और WhatsApp वेब से प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट, अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसे ओपन करते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टिकट प्रिंट कर सकते हैं, ट्रेन टिकट जो है इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं, या फिर PDF जो है सेव करके किसी को सेंड कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारा पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सवाल सुझाव है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।